हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन से रिलेटेड। अगर आप जो है महाराष्ट्र में अभी है और आपको जो है आपके राज्य में जाना है फिर से वापस, तो उसके लिए जो है अभी स्पेशल ट्रेन का भी ऑप्शन आ चुका है महाराष्ट्र पुलिस के ई पोर्टल पे। तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? और तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए हमको जो है अपने ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। आप जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल या लैपटॉप किसी भी डिवाइस के थ्रू भर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम जो है अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। उसके बाद जो हमको यहाँ पे ये वाला वेबसाइट यहाँ पे टाइप करना और एंटर करना है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, हम जो है अप्लाई फॉर ट्रैवल ई पास का जो भी महाराष्ट्र पुलिस का पोर्टल है उस पर आ चुके हैं। देन हमको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे अप्लाई फॉर पास ईयर का ऑप्शन जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो फिलहाल तो जो है हमको अभी महाराष्ट्र से अदर स्टेट में ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे जो लिखा है डू यू नीड टू विजिट आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हमको यस करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको को पैसेंजर आपके साथ कितने हैं उनके लिए जो है यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे अगर आपके फैमिली में चार पैसेंजर रहेंगे, चार से कम, तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपके फैमिली या अगर आपके ग्रुप में पाँच से ज़्यादा को पैसेंजर रहेंगे तो आपको जो है नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो हम सबमिट करेंगे। ओके, तो जैसे हम सबमिट करते तो उसके बाद जो है हमारा पेज जो है रिडायरेक्ट होता है इस वाले पोर्टल पे। तो उसके बाद जो है अभी हमने जो लास्ट टाइम जो फॉर्म भरा था वहाँ पे जो हमने मुंबई सिटी का भी कवर किया था पोर्शन। अगर आपको मुंबई सिटी से ट्रैवल करना है तो जो है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी जो हमको महाराष्ट्र से अदर स्टेट में ट्रैवल करना है, और जो अभी नया ऑप्शन आया है गवर्नमेंट की ओर से कि आप स्पेशल ट्रेन जो है वो अभी चलाने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो वो कैसे करते हैं, और उसके बाद जो है अगर आपका प्राइवेट व्हीकल रहेगा तो उससे भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट सपोज अभी जो हम पुणे रूरल से जो है ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पे जो अभी ग्रुप लीडर का नाम पूछा गया है यहाँ पे, तो आपके ग्रुप या फैमिली में जो भी मेन पर्सन रहेगा उनका जो नाम है यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है आपको कब से जर्नी आपकी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे जो आपको डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तारीख तक डेट है। अगर आपको कल या परसों जर्नी जाना है तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो भी ग्रुप लीडर है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है यात्रा का कारण यहाँ पे पूछा गया है, रीज़न ऑफ ट्रैवल, तो यहाँ पे जो है जो भी रीज़न है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे रीज़न फॉर ट्रैवल जो है यहाँ पे पूछा गया है, वो भी आपको जो है ब्रीफ में बताना है क्या आपका रीज़न है, किस पर्पज़ से आप महाराष्ट्र में आए थे। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है यहाँ पे आपको लिख के देना है। देन यहाँ पे पूछा गया है कि वाहन का प्रकार व्हीकल टाइप, तो यहाँ पे जो है जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल ट्रेन का जो ऑप्शन है अभी ऐड हो चुका है। पहले जो स्पेशल ट्रेन का ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं था। तो अगर आपको स्पेशल ट्रेन से जो आपके स्टेट में जाना है महाराष्ट्र से, तो जो है आपको यहाँ पे स्पेशल ट्रेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वाहन क्रमांक जो है आपको यहाँ पे स्पेशल ट्रेन से जाना है तो आप यहाँ पे NA करेंगे, क्योंकि आप कंटेनमेंट जोन से है। अगर आप कंटेनमेंट जोन से रहोगे मीन्स आपके एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के आजू बाजू में कोविड का पेशेंट है, तो अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको नो करना है, अगर रहेगा तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिपार्चर एड्रेस मीन्स जो जहाँ से भी आप निकल रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे पुट करना है। देन यहाँ पे जो आपको आपका आधार कार्ड ID यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप जहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं ये हमने पहले ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन यहाँ पे जो आपको आपका क्या डेस्टिनेशन है, जो भी आपका डेस्टिनेशन रहेगा जिस भी स्टेट में आपको जाना है वो स्टेट जो है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको हरियाणा में जाना है तो आपको जो है हरियाणा, जैसे आप हरियाणा टाइप करते हो तो यहाँ पे जो है हरियाणा के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। तो हर एक राज्य का सेम है। आप अगर MP के बाद जो है आपके साथ कितने सह प्रवासी मीन्स को पैसेंजर कितने हैं यहाँ पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम को पैसेंजर के नंबर डालते हैं तो यहाँ पे जो है आपको को पैसेंजर के सबके डिटेल यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। को पैसेंजर का नेम, उनका एज, उसके बाद उनका जेंडर, यहाँ पे जो भी आधार नंबर रहेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। देन यहाँ पे जो आपको आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, यहाँ से आप जो चूज़ फाइल कर सकते हैं उसके। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो भी फाइल का साइज रहेगा वो 1 MB से कम चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर्म फिलअप करके होता है तो देन हमको जो है यहाँ से सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है एक टोकन ID जनरेट होता है, और तो ये जो टोकन ID है यही जो है आपको पास डाउनलोड करने के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप जब भी पास डाउनलोड करेंगे उस समय, तो यहाँ पे अगर आपको पास डाउनलोड करना है तो आपको जो है सेम साइट पे जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड पास करके ऑप्शन है, इस पे जाके जो आपको क्लिक करना है।
तो जैसे आप यहाँ पे आते तो यहाँ पे आपको टोकन आईडी डालना और उसके बाद जो सबमिट करना है, तो जो भी पास रहेगा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका पास नहीं आया तो भी जो है आप यहाँ पे टोकन आईडी डाल के सबमिट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका पास अभी तक क्यों नहीं आया। जो भी रीज़न रहेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा। तो दोस्तों यही था, अगर आपको स्पेशल ट्रेन से आपके राज्य में फिर से वापस जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। अगर आपके पास आपकी व्हीकल नहीं है अवेलेबल तो जो है आप स्पेशल ट्रेन का यूज़ करके जो है आप आपके राज्य में सही सलामत जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।